स्मरण रहे अश्वगंधा। अश्वगंधा तुम्हें बहालुक की धरती पे ही मिलेगी। तुम्हारा एक भी क्षण असावधानी का तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकती है। तुम्हें अश्व के समान दुरुस्त और चीते के समान चौकन्ना रहना होगा। गुरुदेव, मैं अवश्य सचेत रहूंगी, आप चिंता ना करें। अश्वगंधा लिए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगी। इनके प्राण बचाने को मैं भी प्रतिबद्ध हूं। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। अवश्य किसी धार्मिक कार्य से अश्वलोक आए हो। सौभाग्यवश हम सही समय पर वहां पहुंच गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। उस अधर्मी बालाहोक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अश्वकन्या, हर बार तुम मेरे मार्ग का काटा बन जाती हो। क्या शत्रुता है तुम्हारी मुझसे? हमेशा मेरे शत्रु की सहायता करने पहुंच जाती हो। भूल मेरी है कि तुम्हें आज तक जीवित छोड़ा हुआ है। अश्वराज, यह अश्वकन्या तो तुच्छ है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संसार का अधिपति बनने का आपका स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। हम शीघ्र ही चारों संकटी ऋषियों से उनकी भक्ति छीन लेंगे, केवल उनकी मृत्यु की सूचना आ जाए। सूचना आती ही होगी। वो दोनों बालक इतने घायल हैं कि उनका बच पाना असंभव है, भले ही वो अश्वकन्या अपने साथ उन्हें क्यों ना ले गई हो। अच्छा, यदि तुम घायल होकर मर रहे हो तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा? मैं क्यों मर रहा हूं महाराज? अच्छा, कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं, तो उस स्थिति में तुम क्या करोगे? आपका उपचार करूंगा, वैद्य को बुलाऊंगा, आपको बचाने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, सटीक उत्तर। इसी प्रकार इस संसार में संजीवनी के अतिरिक्त अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य को मृत्यु के मुख से लौटा ला सकती है। और जहां तक मेरा संदेह है, हो अश्वकन्या उन दो बालकों के प्राण बचाने के लिए अश्वगंधा लेने अश्वलोक में अवश्य आएगी। यहां मैं प्रस्तुत रहूंगा। अश्वकन्या, तुम यहां आ तो जाओगी परंतु जीवित नहीं जा पाओगी। जब तक अश्वकन्या अश्वगंधा लेकर नहीं आती है, मैं लेप बनाने की सामग्री एकत्रित कर लेता हूं। ये क्या नष्ट कर दिया तूने राधा? क्षमा कीजिए पिताजी महाराज, परंतु संसार को आपके हाथ से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप अधम के मार्ग पर चल पड़े थे, किसी ना किसी को तो आपको रोकना ही था। दुर्भाग्यवश वो आपकी पुत्री निकली। पुत्री? क्या तुम अभी स्वयं को मेरी पुत्री मानती हो? तो फिर एक पुत्री ने जो अपने पिता के साथ छल किया, क्या वो अधर्म नहीं? लगा था तुम मेरी भावनाओं को समझोगी। ना केवल छल किया तुमने, अभी तो एक पिता का विश्वास भी तोड़ा है। आप अपनी पुत्री से यह अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो आपके अधर्म में आपका साथ देगी। नहीं देती साथ। असत्य क्यों कहा? क्यों कहा मुझसे कि तुम्हें भी लगता है कि मेरे साथ छल हुआ है? एक असत्य से यदि असंख्य जीवों के प्राण बचते हैं, तो वो असत्य किसी भी सत्य से बड़ा है। ठीक है, उनके लिए तुम उद्धारक और महान हो सकती हो, परंतु मेरे लिए एक विश्वास घातक से अधिक कुछ नहीं। क्षमा कीजिए, मैंने आपके हृदय को ठेस नहीं, तेरे मुख से निकले हुए किसी भी शब्द को मैं सत्य नहीं मानता।
और ना ही तेरी क्षमा याचना वास्तविक है। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। आपका एक क्रोध उचित है पिताजी। मैं सागर राज नताकर तुम्हें पितृ दोष का श्राप देता हूँ। जैसे तेरा काला मन तेरा शरीर भी वैसे ही काला हो जाए। मैं भले इस बंधन से कभी मुक्त ना हो पाऊं परंतु अपने ऊपर लगे इस कलंक को तू भी कभी धो नहीं पाएगी। पर अब यही तेरी नियति है। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ है प्रभु। समस्त संसार का कल्याण करने वाली देवी पर इतना बड़ा दोष। परंतु प्रभु, देवी राधा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे उनकी इतनी बड़ी दुर्गति हो। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देव ऋषि, संसार में पिता पुत्री का संबंध सबसे पवित्र होता है। उसकी गरिमा होती है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अधिक से अधिक आप अपने पिता को रोक सकते हैं परंतु आप उन्हें दंडित नहीं कर सकते। और राधा से यही भूल हुई है। नारायण नारायण, किंतु प्रभु इस श्राप का क्या होगा जो देवी राधा को मिला है प्रभु। देव ऋषि, जिस प्रकार प्रत्येक वैद्य श्राप फलित होता है ये भी होगा। राधा पर पितृदोष अवश्य लगेगा। तेरे मुख से निकले हुए किसी भी शब्द को मैं सत्य नहीं मानता और ना ही तेरी क्षमा याचना वास्तविक है। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं सागर राज नताकर तुम्हें पितृ दोष का श्राप देता हूं। जैसे तेरा काला मन तेरा शरीर भी वैसे ही काला हो जाए। नारायण नारायण, माते आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है माते? यही सत्य है देवऋषि, और इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। अब मुझे अक्षर सागर छोड़कर जाना ही होगा। नारायण नारायण, नहीं माते आप नहीं जा सकती। देव ऋषि, अब मैं श्रापित लक्ष्मी हूं और श्रापित लक्ष्मी क्षीर सागर में नहीं रह सकती। प्रभु, अब मुझे इस लोक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे आज्ञा दे। नहीं देवी, आप ऐसा कदापि नहीं कर सकती। यदि आप वैकुंठ छोड़कर जाएंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, यदि मैं यहाँ रही तो उससे भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब मैं श्रापित हूँ और मेरे श्राप के कारण आपके भी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। अब यही नियति है प्रभु, और यही नीति का निर्धारण। आज से ही नहीं, सदियों से जब भी मैं श्रापित हुई हूँ मुझे आपको छोड़कर जाना ही पड़ा है और पुनः जन्म लेना पड़ा है। चाहे वो ऋषि भृगु के यहाँ हो, चाहे वो समुद्र राज रत्नाकर के यहाँ हो, या चाहे वो पाताल नरेश पुलोमन के यहाँ। अब मुझे आज्ञा दे प्रभु। नारायण नारायण, प्रभु आपने तो अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान योग में चले गए, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु, इस संकट के समय में मैं माता लक्ष्मी के जीवन की रक्षा करूंगा। प्रभु नारायण नारायण। देखा भद्राक्ष, समुद्र राज रत्नाकर को कठपुतली बनाकर जो चाल चली थी वो सफल हो गई। कौन सी चाल भगवान, कुछ समझ ना आ रहा, कैसे सफल है गई? आकाश में इस प्रकार बिजली का कड़कना।
मेघों का निरंतर गरजना इस बात का संकेत है कि चक्रधारी विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी उससे पृथक हो गई। जिसके बल पर वो संसार का प्रजापालक बना बैठा था। भगवान यदि ऐसो है गयो फिर तो मक्खन है गयो। लक्ष्मी का विष्णु से पृथक होना अर्थात राधा का परम अवतार श्री कृष्ण से पृथक होना अर्थात विष्णु और परम अवतार श्री कृष्ण का शक्तिहीन होना निरर्थक होना निरुद्देश्य होना। अरे क्या अस्तित्व रह जाएगा तेरा भगवान कंस के समक्ष, तू तो शत्रुता निभाने के योग्य भी नहीं रहा। चक्रधारी तूने भगवान कंस के अंत की आकाशवाणी की थी ना, तो भगवान कंस तेरे अंत की आकाशवाणी करेंगे। आकाशवाणी करेंगे हे संसार के सारे देवी देवताओं, जिस लक्ष्मी ने विष्णु का त्याग कर दिया उस लक्ष्मी को मैं भगवान कंस प्राप्त करूंगा। इतने पत्ते तो पर्याप्त होंगे, और विलंब नहीं करना चाहिए अन्यथा बालकों के प्राण संकट में आ जाएंगे। संकट उनके तो जब आएंगे तब आएंगे, परंतु तुम्हारे तो अभी आ चुके हैं राजकुमारी। अश्वराज आज ही अश्वकन्या को जीवित नहीं छोड़ना है। इसे तो मैंने हमेशा दया दृष्टि से देखा है, परंतु आज मेरे नेत्रों में इसके लिए क्रोध है। इसकी मृत्यु आज ही होगी और वो भी मेरे हाथों से। अश्वगुरु के जीवित रहते तुम जैसा अधर्मी अश्वलोक के एक भी अश्व का अहित नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। अत्यंत अहंकार है ना तुझे अपने बल पर, तो ठीक है तनिक अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख ले मुझ पे। कहीं ऐसा ना हो कि अपने विषय में तेरी धारणा ही बदल जाए। लगता है मरने की बड़ी शीघ्रता है तुम्हें, तभी तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अब भी समय है, अपनी पराजय स्वीकार कर लो बालक। अब मैं नहीं, मेरी तलवार बोलेगी। अश्वकन्या राधा, वो राधा है क्या? पर उसे हो क्या गया अचानक? अरे हाँ, इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? मुझे तो लगता है कालिक लगाकर हमसे ठिठोली कर रही है। ऐसे काहे किसी का रंग काला थोड़ी ना हो जाता है। जब संसार में राधा,
अश्वगंधा एक चमत्कारिक औषधि, मुख्यतः इसकी जड़ों में रसायन पाया जाता है जो बड़े से बड़ा घाव और चोट को ठीक कर देता है। निर्बल व्यक्ति अगर इसे सेवन करे तो उसकी दुर्बलता दूर होती है और मानसिक तनाव भी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस औषधि से इन दोनों बालकों को ठीक कर सकूंगा। शांत हो जाओ बालक, बालू की यहां नहीं है। वो देखो, तुम्हारा साथी भी अब स्वस्थ है। तुम दोनों यहां पर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। कौन हो आप दोनों और आपके यहां आने का कारण? हम वृंदावन वासी हैं। मैं काना और ये मेरे दाऊ बलराम। मथुरा नरेश कंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो अत्याचारी राजा? हाँ, उसे मारने के लिए हमें दिव्य शस्त्र और दिव्य रथ की आवश्यकता थी जो हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब उस जयत रथ को खींचने के लिए केवल चार ही अश्व है इस संसार में, और वो है बालक और उसकी भ्राता। हम उन्हीं की खोज में यहाँ अश्वलोक आए थे, किंतु यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि तो अपने बल के अहंकार में अधन के मार्ग पर चल पड़े हैं और संकादिक ऋषियों को भी बंदी बना रखा है। यदि उन्हें मुक्त नहीं कराया गया तो इस संसार में से भक्ति की शक्ति समाप्त हो जाएगी और बालहक जैसा धर्मी इस विश्व का अधिपति बन बैठेगा। अब हम जान सकते हैं ये आप लोग कौन है और हमारी सहायता क्यों कर रहे हैं? सहायता हमने आपकी नहीं, अपितु आपने हमारी की है। बाल हक को रोकने का प्रयत्न कर। परंतु उसे रोकना असंभव है। आप दोनों की भलाई इसी में है कि आप लोग अपने लोक वापस चले जाएं। हमें उन ऋषियों को तो मुक्त करवाना ही है, किंतु उसके पश्चात उन चारों अश्वों को धर्म के मार्ग पर भी लाना है, और हमारा ये उद्देश्य पूर्ण किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। आप क्या, स्वयं ब्रह्मदेव भी उस दुष्ट बालहक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवी, आपकी बालहक से क्या शत्रुता है? मैं अश्वलोक की राजकुमारी हूँ। यदि आप यहाँ की राजकुमारी हैं, तो बालहक कौन है और किस अधिकार से राज सिंहासन पे बैठा है वो? मेरे पिता अश्वलोक के राजा थे और ये थे यहाँ के पुरोहित अश्वगुरु। बालहक को सदा से ही अश्वों की शक्ति पर अत्यंत अभिमान था। सारे संसार पर अपना अधिकार स्थापित करने का स्वप्न वो प्रारंभ से ही देखता आ रहा था। धीरे धीरे उसने अश्वों को मेरे पिता के विरुद्ध भड़का दिया और उन्हें भ्रमित कर अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। मेरे पिता धर्म परायण थे तो वो जानते थे कि विधाता ने अश्वों को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया है। वो उसके अनुसार कर्म करते थे, परंतु तब तक बालहक ने अपनी गुप्त योजना बना ली थी। और एक दिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अश्वों में मनुष्यों से अधिक शक्ति है, परंतु फिर भी हम उनके दास हैं। दासता की इस मानसिकता को बदलना होगा, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। अब मनुष्य हम पर नहीं, हम इस संपूर्ण संसार पे शासन करेंगे। हाँ, हम शासन करेंगे। हाँ, हम शासन करेंगे। हाँ, हम शासन करेंगे। बालहक,
ये कैसी अधर्म की बातें कर रहे हो तुम? धर्म नहीं, अश्व के हित की बात कर रहा हूं मैं, जो आप कभी नहीं करते। जब तक आप अश्वलोक के अश्वपति हैं, तब तक हमें इस ग्लानी और अपमान भरे जीवन से मुक्ति नहीं मिल सकती। सैनिकों, बंदी बना लो इस अधर्मी को, ये हमारी प्रजा को भड़का रहा है। बंदी बना लो इसे। पिताजी, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा राजा हूं, छोड़ो। अब इसका बाकी का जीवन अंधेरी काल कोठरी में बीतेगा। बालाहुक देशद्रोही, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुम्हें बंदी बनाने में मुझे अत्यंत दुख होगा, परंतु क्या करें, कोई और उपाय है ही नहीं। इसे डाल दो काल कोठरी में। नहीं, नहीं पिताजी, नहीं। अश्वगुरु, ये दुष्ट मेरी पुत्री को छू ना पाए। सौगंध है आपको इस धरती की, और इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर है। अशोक, नहीं पिताश्री, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा पुत्री, अशोक के भविष्य के लिए तुम्हें जाना होगा। नहीं पिताजी, प्रस्तुत करो अपने आप को, और एक दिन तुम्हें यहीं लौटना है, और उस पापी को हराकर अपना अधिकार स्थापित करना है। पुत्री जाओ, पुत्री अपने प्राण बचाओ। चलो राजकुमारी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, चलो चलो। नीचे करो इसका। अर्थात आप दोनों पे संकट अभी भी बना हुआ है, तो बताइए इस पर्वत से हम लोग सुरक्षित कैसे हैं? बाला हक या उसके सैनिक इस पर्वत पर नहीं आ सकते, इसलिए हमने इसे अपना स्थायी आश्रय बनाया हुआ है। बाला हक और उसके भ्रातागण इस पर्वत पर नहीं आ सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार बाल हक ने इस पर्वत पर तपस्या में लीन हमारे अश्व देवता का अपमान किया था, तभी उन्होंने उसे श्राप दिया था कि अगर वो या उसके सैनिक इस पर्वत पर आए तो उसी क्षण वो जलकर भस्म हो जाएंगे। मिल गया हमारी समस्या का हल। बालक और उसके तीनों भ्राताओं को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देकर हम इस पर्वत पर बुला लेते हैं, फिर क्या, वो स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएंगे। दाऊ, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? कि हमें अपने जयच रथ के लिए चार बशाली अश्व चाहिए। हम आए तो उसी उद्देश्य से थे, परंतु अब यहाँ समस्या बदल चुकी है। हम कहीं अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक तो नहीं गए हैं? दाऊ, जिसे आप भटकना कह रहे हैं, उसे श्री राम ने यात्रा कहा है। जिस प्रकार रावण का वध करना उनका अंतिम प्रारंभ था, उसी प्रकार कंस का वध करना हमारा प्रारंभ। इस कर्म में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी यात्रा के अंतर्गत है, और ये सारे पड़ाव अत्यंत आवश्यक हैं। बालक को धर्म के मार्ग पर लौटाए बिना हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये वाणी साक्षात श्री प्रभु के मुख से निकल रही हो। हे कान्हा, हे बलराम, ये अश्वों की धरती आप दोनों को पाकर धन्य हो गए। देवी, बालहक ने दो अपराध किए, ऋषि कुमार का हरण किया है और आपके पिता को बंदी बनाया है, अर्थात इस अश्लोक के राजा को बंदी बनाया है, उसे दंड देना आवश्यक है। दंड का पात्र तो वो है ही, परंतु उसे दंड कभी नहीं मिलेगा। क्या अर्थ है आपका? मनुष्य तो क्या, यदि देवता भी उससे युद्ध करें तो वो भी हार जाएंगे। हाँ, आपने कहा था कि स्वयं ब्रह्मदेव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, उसे ब्रह्मदेव का वरदान मिला हुआ है। बात तब की है जब उसने एक बार ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की थी। ओ ब्रह्मदेवा।
नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बालहक जन्म से ही अर्ध अश्व मानव था। उसने कई युगों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। हे बालहक, प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो। बोलो कौन सा वरदान चाहिए? आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मुझे अमृत का वरदान चाहिए। ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कुछ और वर मांगना है तो मांग लो। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि मेरी मृत्यु मुझ जैसे किसी प्राणी के हाथों हो, अर्थात जो अर्ध अश्व मानव हो। तथास्तु। ऐसे नहीं तो वैसे। मैंने अपनी बात मनवा ही ली। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इस संसार में मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं। अब मैं इस संसार का बनूंगा अधिपति। यही कारण है कि उसे ना तो कोई पराजित कर सकता है और ना ही कोई मार सकता है। परंतु उसे परास्त करने का कोई और मार्ग है? होगा भी, तो हम उससे अनजान हैं। असीम साहस और बुद्धि का परिचय दिया है तुमने राधा। ये समस्त सृष्टि तुम्हारे इस कार्य के लिए तुम्हारी ऋणी है, कृतज्ञ है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार तुमने संसार को संकट से मुक्त किया है, माता भी तुम्हें अवश्य दोष से मुक्त करेंगी। लोग केवल मेरी वाणी की ही चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव, मानो मेरी जैसी कृपा उन्होंने कभी देखी ही ना हो। क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी विडंबना है, और मनुष्य की इस प्रवृत्ति में सुधार अथवा संशोधन होगा अथवा कब होगा ये तो नारायण ही जानते हैं। किंतु तुम्हें श्राप मुक्त होने के लिए पितृदोष निवारण अनुष्ठान करना होगा। मैं अनुष्ठान की पूर्ण पद्धति तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। कान्हा, बालक को मार पाना तो असंभव है। दाऊ, आपके मुख से ऐसी निराशावादी बातें शोभा नहीं देती। हारने से पहले नहीं, हार नहीं मानी। वो सब तो ठीक है कान्हा, परंतु अर्शलोक में बालक के अतिरिक्त अर्ध अश्व मानव तो है ही नहीं, और हम इस अर्शलोक के बाहर जाकर किसी की खोज कर नहीं सकते। फिर हुआ नहीं असंभव कार्य? दाऊ, इस संसार में असंभव कुछ नहीं होता, और प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती है। दाऊ देखो कान्हा, प्रयत्न करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु पता तो हो किस दिशा में। दाऊ, इस संसार के रचयिता ब्रह्मदेव है, उन्होंने ही हर प्राणी की रचना की है। इस प्रश्न का उत्तर भी उन्हीं के पास होना चाहिए। दाऊ, तो क्या हम लोग ब्रह्मदेव को पुकारेंगे? कान्हा, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? पुकारने से ही तो भगवान आते हैं, और भगवान कभी भी अपनी भक्त की पुकार अनसुनी नहीं कर सकते। तो फिर चलो हम ब्रह्मदेव को ही स्मरण करते हैं, उन्हीं से इस अर्ध अश्व मानव नामक पहेली का हल पूछते हैं। किंतु कान्हा, हम दोनों एक साथ उन्हें नहीं पुकारेंगे, अपितु भिन्न भिन्न स्थानों से पुकारेंगे। ठीक है? ठीक है दाऊ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रुक जाओ बालक, हमें तुम्हारे मिथ्या आदर की आवश्यकता नहीं। हे संसार के भक्ति के स्रोतों, इस प्रकार हमारी भावनाओं का तिरस्कार मत करो। वैसे भी तुम्हें मिलने वाला ये अंतिम सम्मान है, तो इसे खुले हृदय से स्वीकार करो।
अब हम ज्ञान अनुष्ठान का आरंभ करेंगे और ऋषि कुमार आप अपने ज्ञान श्लोकों का पाठ करेंगे और हम अश्वगण उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात क्या होगा? होगा संसार से भक्ति का अंत। ये तुम नहीं, तुम्हारा ज्ञान बोल रहा है कि अंत भक्ति का नहीं अपितु तुम्हारा होगा। कौन करेगा मेरा अंत? कारो से जरा मैं भी तो देखूं। प्रणाम महाराज। महाराज वे दोनों बालक स्वस्थ हो चुके हैं और आपके अंत की योजना बना रहे हैं और महारानी ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया है। बनाने दो योजनाएं, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, वो बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही तो चिंता का विषय है महाराज। वे बालक आप जैसा रूप धारण करने की योजना बना रहे हैं महाराज। मूर्ख है वो, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मुझ जैसा इस संसार में द्वितीय कोई नहीं। अभी भी समय है बालू, अधर्म का पाठ छोड़ दो, मान लो हमारी बात। अच्छा, क्यों मान लूं मैं तुम्हारी बात? क्योंकि वो दोनों बालक साधारण बालक नहीं है, उनमें से एक मोर पंखधारी विष्णु के अवतार है। तुम्हारे उन्हीं प्रभु के अवतार है जिनके तुम रथ खींचा करते थे। इस कारण मैं कहता हूँ जाकर क्षमा मांग लो। शाल हृदय है उनका, तुम्हारा और तुम्हारे साथ जो अश्व है उन सबका उद्धार हो जाएगा। प्रभु किसी का अहित नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा अधर्म अभी दंड की श्रेणी में नहीं आया। समय रहते प्रभु के शरण में चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। शांत रहो, एक शब्द और नहीं। वो मेरा नहीं, मैं इस संसार का उद्धार करूंगा इसका अधिपति बनकर। भूल जाओ उन बालकों को और मेरी बात ध्यान से सुनो, जाकर कल के महानुष्ठान की प्रस्तुति करो। कल प्रातःकाल महानुष्ठान के संपन्न होते ही इस संसार से भक्ति का अस्तित्व मिट जाएगा और उसके साथ ही मैं सदा के लिए अजय हो जाऊंगा। परंतु भगवान, लक्ष्मी हमें मिलेगी कहाँ? कछु अनुमान है आपको? जैसे में वो किस स्थिति में होगी, क्या कर रही होगी? है जी, इसका तो एक ही विकल्प है। जब ये देवता शापित होते हैं और श्राप को दूर करने के लिए इनके पास कोई मार्ग नहीं रहता तो ये तपस्या करते हैं। उचित कही आपने, पर तप करने को स्थान कौन सा होवेगो? जी भी जाते हैं आपको है जी? अरे अभी पहुंच जाएंगे। एक भद्राक्ष, पत्रिका आश्रम। अद्भुत, वर्षों से लोग यहां तपस्या करने आते हैं। लक्ष्मी भी अवश्य यही होगी। ये आश्रम के बाहर जो देख रहे हो वो श्मशान है। देवता अपने पापों का प्रायश्चित करने ये किंतु लक्ष्मी प्रायश्चित नहीं कर पाएगी। अपने आंख और कान खोले रखना भद्राक्ष, मेरा हृदय कहता है है। स्थिति हाथ से निकलती हुई दिख रही है इंद्रदेव, अब क्या होगा? वही तो मेरी चिंता का विषय है अग्निदेव। नारायण स्वयं तो ध्यान करने चले गए, माता लक्ष्मी की रक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण,
प्रणाम इंद्रदेव। हे देवताओं, अब आप सबको माता लक्ष्मी की रक्षा करनी होगी। हमें? किंतु कैसे? क्योंकि मेरे प्रभु विष्णु वो ध्यान योग में चले गए, और यदि ये पापी कंस माता लक्ष्मी को हर ले गया तो इस संसार से ऐश्वर्य का नाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अब आप सभी को कुछ करना होगा। नहीं, हम कदापि ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे रहते कंस माता लक्ष्मी को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। सत्य कहा आपने, अब हम करेंगे माता लक्ष्मी की रक्षा। क्या कहा तुमने? बल का वाहक बालक नन्हे नन्हे बालकों की शरण में चला जाए? जिन्हें तुम बालक कह रहे हो उनसे ही सभी बलवानों का बल है, और हमसे देवताओं का बल है, क्योंकि हम अश्रूप में देवों के रथ खींचते थे। अब एक बार तुम्हारी भक्ति शक्ति धारण कर ले, उसके पश्चात स्वयं नारायण भी हमें पराजित नहीं कर सकते। तुम भूल कर रहे हो, तुम्हारे अधर्म तुम्हारे अंत का कारण बन सकता है। धर्म के मार्ग पर चल के देख लिया है हमने, इसमें सिर्फ हम अशोक के कंधों पर भार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। तब हम सब कुछ लेकर रहेंगे, सारे संसार पे हम अशोक का अधिकार होगा। ले चलो इन ऋषि कुमारों को यज्ञ वेदी के समीप। ऋषि कुमारों, अब संसार से भक्ति समाप्त हो जाएगी, और तुम्हारी भक्ति की शक्ति को मैं धारण करूंगा। लक्ष्मी जी कहाँ हैं आप? से खोखली चेतावनी मत समझना कंस। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ मथुरा वापस। अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव और देवराज इंद्र भी, आप सबके सब मुझे रोकने आए हैं। बचाना भद्राक्ष। क्यों भगवान कंस से पराजित होने आ गए सबके सब? इससे पहले कि मेरा क्रोध जाग जाए, सम्मान सहित लौट जाओ अन्यथा। अन्यथा क्या दुराचारी कंस? यदि साहस है तो उठा शस्त्र और करवार। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इंद्रदेव, आपको इससे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अग्नि शक्ति का प्रयोग कर इसे आश्रम में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। ये स्वयं ही हारकर मथुरा लौट जाएगा। अच्छा, इन खिलौनों से रोकेगा मुझे अग्निदेव?
इंद्रदेव, अग्निदेव तुम मक्खन हो गए, तुम भी निकल लो वरना बेकार तुम मक्खन नहीं जाएंगे। प्रस्तुत हो कंस मेरे वार को झेलने के लिए। क्या हुआ मथुरा नरेश, अब भी मुझसे युद्ध करेगा? अभी भी समय है, लौट जा। ये अभ्यास में बाल्यकाल में किया करता था इंद्र, और तू अब आया है इस शक्ति से मुझे डराने। देवराज इंद्र, लगा ले अपनी सारी शक्ति, आजा। नहीं नहीं नहीं, भगवान भगवान भगवान, जाकू उकसाओ मत, आप तो बच जाओगे बेकार में, मेरे का मक्खन नहीं जाएगा। तू तो मेरा प्रिय प्रेत है भद्राक्ष, कुछ नहीं होगा तुझे। तुझसे लड़ने के लिए मुझे किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, किसी और की रक्षा क्या करेगा? ओ चक्रधारी, ये सब तो क्या, तू भी अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को बचा नहीं पाएगा आज। आजा।